Hello and welcome to the hotspot presented by JB Power Consultants. I am Rahul Srivastav. In this episode of the hotspot, let's begin with some statistics. हिंदुस्तान में दुनिया की 17.7% आबादी रहती है. पूरी दुनिया के कुल मीठे पानी का सिर्फ 4.5% हिंदुस्तान में मौजूद है. 60 करोड़ हिंदुस्तानी पानी की किल्लत या बेहद किल्लत की दहलीज पर रहते हैं. 42% नदियां हिंदुस्तान में बेहद प्रदूषित है. अब ऐसे में अगर आप जल शक्ति मंत्री हो और आपको देश के 140 करोड़ लोगों तक पीने लायक पानी नलके में उनके घर तक मुहैया कराना हो तो काम कठिन है. उस पर से अगर आपका चुनावी इलाका ऐसा हो जिसमें रेगिस्तान हो तो आपका काम और भी कठिन है. इसीलिए हॉटस्पॉट आया है जोधपुर, जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत. हम देखना ये चाहते थे कि क्या जनता की आस थी और क्या बुझी है उसकी प्यास. गुड मॉर्निंग, आज की यात्रा आपके साथ. विल यू सिट थोड़ी देर पीछे विद मी और खुशखबरी यह है कि वो जोधपुर बेस्ड है और वो कह रहा है कि एनडीए जो है वो 300 से ऊपर तो गारंटीड है. हम लोग जा ही रहे हैं, आज वहीं जा रहे हैं फलोदी, जहाँ सट्टा बाजार. ये जोधपुर में, फलोदी में, सीकर में, दो तीन जगह देश के ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर इस तरह की गतिविधि होती है. उनके प्रेडिक्शंस अमूमन ठीक ठाक होते हैं क्योंकि वो लोग धरातल पर बहुत सारा सर्वे, रिसर्च, बातचीत करके और इस तरह के प्रेडिक्शंस करते हैं. और वो जिस सीट को सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर जीतने वाली है, बड़े अंतर के साथ जीतने वाली है, ऐसा जब तय करते हैं तो लगभग परिणाम उसी के अनुरूप रहते हैं. तो गच बना के लिए क्या कह रहे हैं आप, पता करिए. मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन जरूर पता करिए. गजेंद्र शेखावत जी, पिछले तक पीरियड जब से आप मंत्री बने दिल्ली में, तब से लेकर अभी तक आपको जल शक्ति, जोधपुर, राजस्थान, इस पॉलिटिक्स में जाना रहता है. मगर मैं एक आपके लाइफ का जो एक पॉलिटिकल फेज जो है मेरे ख्याल से लोग नहीं जानते हैं, जो कि एक बीजेपी की कार्यकर्ता का टिपिकल फेज होता है और जिसमें कहते हैं वो नेता निमित्त मात्र होकर के काम करा करता है एक तरह से. उनका पहले आप 1992 में स्टूडेंट यूनियन लीडर बने और उस यूनिवर्सिटी से बने जहां से बहुत सारे स्टॉलवर्ड जो हैं इस प्रदेश की पॉलिटिक्स के नेता बन चुके हैं. देखिए, विश्वविद्यालय की राजनीति के दृष्टिकोण से मैं बात करूँ, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते में कुछ काम करते थे, लेकिन राजनीति में जाना, चुनाव लड़ना, न तो इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि थी और न इस तरह का कोई विचार कहीं कभी उस समय था. बहुत लंबे अंतराल के बाद में उसी कालखंड में चुनाव होना शुरू हुए थे, बीच में 10-12 साल तक बंद हो गए थे. सभी मित्रों ने यह तय किया कि, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि हमारे लिए उपयुक्त कैंडिडेट गजेंद्र सिंह हो सकते हैं, क्योंकि मैं उस समय विश्वविद्यालय में अपने खेल के कारण से, अपने डिबेट कॉम्पिटिशन्स के कारण से और अन्य गतिविधियों के कारण से एक चर्चित चेहरे के रूप में था. तो सब ने तय करके मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना और हम छात्र संघ के अध्यक्ष बने. और एक बड़े अंतर के साथ, मतलब रिकॉर्ड के साथ में, रिकॉर्ड था, हम छात्र संघ के अध्यक्ष बन करके मैं चुनाव जीत पाया. चुनाव जीतने के बाद में अमूमन छात्र संघ के अध्यक्ष अपने लिए राजनीतिक सरजमीन की तलाश शुरू कर देते. कोई नेचुरल असेंडेंस नहीं है, रास्ता ऐसे बना हुआ है. विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं भी के लिए भी अनुकूलता होती है क्योंकि सीधे उनका भारतीय जनता पार्टी के इधर यूथ विंग के ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में या कहीं धरातल पर उनको जगह मिलने की संभावनाएं अधिक होती हैं. मेरे लिए भी उस तरह की अनुकूलताएं थी और 1993 में एक मुकाम पर, जब स्वर्गीय भैरव सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, 92 के अयोध्या
एपिसोड के बाद में उनकी सरकार गिरा दी गई थी, और उसके बाद उन्होंने जो जनादेश यात्रा निकली देश में, उसमें वो जम्मू से भोपाल यात्रा कर रहे थे। मेरे पारिवारिक संबंधों के कारण से भैरव सिंह जी शेखावत साहब का मेरे परिवार से बहुत गहरा रिश्ता था, और मुझे भी उन्होंने असीम स्नेह दिया। मुख्यमंत्री के नाते जब मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर था, तब भी अनइंटरप्टेड एंट्री हमारी उनके घर में हुआ करती थी, मुख्यमंत्री आवास में होती थी, हम बैठते थे उनके साथ, वो सब विषयों पर बातचीत करते थे, सीधे प्रत्यक्ष टेलीफोन करके उनसे बात करके किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता होती तो करते थे। और वो चाहते थे कि मैं 93 में चुनाव लड़ लूँ, लेकिन कुछ कारणों, तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया। और उन्होंने मुझे 93 में सरकार बनने के ठीक बाद में, मेरे पास में ऐसा अवसर था कि मैं अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के साथ में अपना कैरियर शुरू कर दूँ। जो उस समय मेरे मेंटर्स थे, उन्होंने ये तय किया कि मुझे सीमावर्ती क्षेत्र पर जाकर के काम करना चाहिए, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो शैशव अवस्था में था, जो सीमावर्ती क्षेत्र पर रहने वाले नागरिकों में वहाँ का नागरिक होने के नाते जो उनके नेचुरल ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति उनको जागृत करने का काम करता था। मेन स्ट्रीमिंग से ज़्यादा उनका उनका सेंसिटाइजेशन करने का काम, कि आप यहाँ रहते हैं, आपकी ये ड्यूटीज़ भी आपकी नागरिक होने के अतिरिक्त है। और मैं लगातार लगभग दो दशक तक जनरल सेक्रेटरी हुए। हाँ, लगभग दो दशक तक उसके साथ काम करता हूँ। दो दशक तक, 20 years, and I have never been to भारतीय जनता पार्टी any of the program in their office। यानी आप एबीवीपी से, जोधपुर यूनिवर्सिटी से सीधा सीमावर्ती क्षेत्र में गया, और देश की इस पश्चिमी राजस्थान की सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है, और जो देश की लगभग एक तिहाई से ज्यादा सीमा है, इस सीमा पर हमने माइक्रो लेवल पर काम किया। इसके अतिरिक्त वहाँ बॉर्डर एरिया का यूथ जो है यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाए, उसकी तैयारी के लिए वहाँ लगभग 400 के जितने से भी ज़्यादा लगभग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सेंटर शुरू किए। लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको दिखा है? मैं आपको और जैसे हमने देखा जम्मू वगैरह के रीजन में सिमिलर काम हुआ, और वहाँ के लोगों का बहुत काफ़ी मेन स्ट्रीमिंग हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से भी हमने एक कार्डर पूरा क्रिएट करके, कुछ यूथ को आइडेंटिफाई करके, उनको ट्रेनिंग दिला करके, और काउंटर इंटेलिजेंस के लिए एक अपना एक विंग एस्टेब्लिश की। पूरे पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर के हैबिटेशंस और व्यक्तियों की मैपिंग की, और उसके आधार पर हमने, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सैकड़ों ऐसे केसेस जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो वहाँ होती थी, क्योंकि 71 के युद्ध के बाद में जिस तरह परिस्थितियाँ बदलने लगी, और ये पूरा क्षेत्र जो है बाड़मेर जैसलमेर का राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बनने लगा। पंजाब का सारा हथियार पंजाब मिलिटेंसी के समय यहाँ से आया, क्योंकि ये ट्रेडिशनली सिल्क रूट का हिस्सा था, इसलिए व्यापार व्यवसाय इस रूट से होता ही था। लेकिन इस ट्रेड में हथियार घुसा, स्ट्रेट में ड्रग्स घुसे, और उसके कारण से यहाँ की इकोनॉमिक पोजीशन एक मजहब विशेष के लोगों की डिफरेंट हुई, वो एलिवेट हुई, उसके कारण से उनकी पॉलिटिकल ताकत बढ़ने लगी, और पूरा ही स्ट्रक्चर और फैब्रिक ही डिस्टर्ब हो रहा था। तब हमने इन सब चीज़ों को, राष्ट्र के सामने आसन्न खतरों को देखते हुए, इस पर काम करना शुरू किया। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, सैकड़ों ऐसे केसेस जो राष्ट्रीय गतिविधियों के थे, उनको हमने प्रत्यक्ष रूप से सीधे रोका, रोकने में कामयाबी प्राप्त की। आपकी जब ये पीरियड में काम कर रहे थे 20 साल, क्या है कि राजनीति में कोई भी लड़का अगर यूनिवर्सिटी से आता है, मैंने इतने सालों में देखा है कि अगले साल से वो सेटिंग में लग जाता है, कि जुगाड़ लग जाए अपना किसी तरह पार्टी ऑफिस, तो रोज पार्टी ऑफिस के चक्कर लगाते हैं लोग, नेताओं के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, तो रोज जाया करते थे पार्टी ऑफिस जोधपुर में? या मैंने अभी जैसा आपको निवेदन किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली छोड़ दीजिए, जयपुर छोड़ दीजिए, जोधपुर के दफ्तर में भी कभी मैंने दहरी पे पांव नहीं रखा। जिस दिन मैं भारतीय जनता टू द बीजेपी ऑफिस एवर, जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य न बना 2014 में, तब तक मुझे सदस्य कैसे बने ये भी 2013 में मुझे आदरणीय वसुंधरा जी और हमारे क्षेत्र के मार्गदर्शक ये चाहते थे
कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊं और अशोक गहलोत साहब के सामने मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसी उनका सोच था। तो लेकिन किसका कॉल आया सबसे पहले? नहीं, मुझे आदरणीय वसुंधरा जी और हमारे क्षेत्र के प्रचारक दोनों ने बुला करके जयपुर में बात की कि आपको अब राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो मैंने सहजता के साथ में कहा, जब मुझे करना था तब आपने मुझे कहा बॉर्डर पर जाओ। अब जब मैं बॉर्डर पर सक्सेसफुली इस पर काम करने के बजाय, बाद में हमने इस काम को गुजरात में रेप्लिकेट किया है, पंजाब में किया है, नॉर्थ ईस्ट में किया है, जम्मू में किया है, तब आप मुझे बिना किसी मेरी तैयारी के कह रहे हो कि अब तुम राजनीतिक क्षेत्र में जाओ। लेकिन कुछ परिस्थितियां बनी, मुझे दुर्घटना में मेरे घुटने में चोट लगी और उसके कारण से पाँव में सर्जरी हुई और वो चुनाव में नहीं लड़ पाया। लेकिन 3 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव के समय में मुझे कहा गया कि अब तुमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। मार्च के शायद दूसरे सप्ताह में, कहीं 17-18 तारीख के आसपास में मुझे दिल्ली जाने के लिए कहा गया। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर करके मैंने गूगल करके देखा था कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस कहाँ है। यानी आप बीजेपी के 92 से अगर एबीवीपी में थे तो आपने 2014 में जाके देखा गूगल मैप पे कि दिल्ली का बीजेपी का दफ्तर कहाँ है। और मैं वहाँ पहुँचा ऑफिस में, मुझे उस समय के संगठन महामंत्री से मिलने के लिए कहा गया था, उनसे मिला। माननीय रामलाल जी थे, माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ में मिला। और आदरणीय वसुंधरा जी ने मुझे बुला करके कहा कि तुम शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है और पार्टी ने राजस्थान में भी तय किया कि तुमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। सडनली ऐसे बड़े स्ट्रक्चर में नर्वसनेस हुई? राजनाथ जी से मिल रहे हैं, वसुंधरा लार्जर देन लाइफ इमेज इन राजस्थान। मुझे तो कभी किसी के लेकर के भी नहीं हुई। और मुझे अवसर दिया गया, सामने बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, महाराजा साहब जोधपुर की बात कर रहे हैं। महाराज साहब जोधपुर जो है उनके परिवार की बड़ी प्रतिष्ठा है। स्वर्गीय महाराजा हनुमंत सिंह जी और उमेर सिंह जी को जोधपुर के निर्माता के रूप में देखा जाता है। उनकी पुत्री चंद्रेश कुमारी जी जो सांसद भी थी, केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी थी, महाराज अगस्त सिंह जी की बहन भी थी। बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव ऐसा लगता था, लेकिन देश की जनता ने परिवर्तन का संकल्प किया हुआ था। हमने चुनाव लड़ा क्योंकि पिछले लगभग 20-22 साल से धरातल पर एक्टिवली काम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं का हुजूम उड़ा और एक युवा को इस तरह का मौका दिया गया है। इस भाव के साथ में लोग जुटे, एक बड़े अंतर के साथ में, 4,21,000 मतों के अंतर के साथ में जनता ने आशीर्वाद देकर के भेजा। 5 साल तक माननीय मोदी जी की देश सरकार ने जिस तरह से काम किया उसके आधार पर, जब गहलोत साहब की सरकार राजस्थान में थी और उनके पुत्र को उन्होंने लॉन्च किया और सारे प्रतिकूलताएं थी, सरकार की मशीनरी वहां लगी थी पूरी ताकत के साथ में, और कांग्रेस पार्टी पूरी लगी थी, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता यहाँ लगे थे, सरकार के मंत्री यहाँ लिखे थे। कितने मंत्री थे आपके पास लिस्ट है? 26 मंत्री यहाँ काम कर रहे थे डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के। और हमने ये भी देखा था उस पीरियड में कि गहलोत साहब ने भी बहुत टाइम बिताया था यहाँ पे। गहलोत साहब ने 22 दिन जो टोटल कैंपेन के थे, डे ऑफ नॉमिनेशन से डे ऑफ पोलिंग तक या लास्ट कैंपेन तक, उसमें से 17 दिन यहाँ गुजारे थे। 162 मीटिंगों में से 122 मीटिंगें जोधपुर में की थी आपके खिलाफ। अकेले जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 122 मीटिंग की, जबकि देश भर में उन्होंने 162 मीटिंग की थी। ये AICC में जब उनसे कहा गया था, वो अखबार में पढ़े हुए समाचार के आधार पर मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ कैंपेन कर रहे थे, सरकार के अधिकारियों को यहाँ झोंका गया था दबाव में। लेकिन क्योंकि जनता ने तय किया हुआ था, जनता का फैसला था, इसलिए बड़े अंतर से फिर 3.25 लाख वोटों से हम जोधपुर से कमल खिलाने में कामयाब हुए। 1 मिनट रोकेंगे। एग्जॉस्ट निकल गया था जी, एयर इनलेट जो है वो हट गया था, जो टर्बो। हेलो, चलो
तो अभी हम एक पॉलिटिकल एक इलेक्टोरल पॉइंट से दूसरे पे जा रहे थे, तो गजेंद्र शेखावत जी के ड्राइवर साहब को लगा कि कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम आई है। थोड़ा एग्जामिन करने पे उनको लगा कि शायद साइलेंसर में प्रॉब्लम हो सकती है, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। तो गाड़ी बदलने के हमको लगा कि गाड़ी बदली जाएगी, गजेंद्र शेखावत जी दूसरी गाड़ी में जाएंगे, लेकिन गजेंद्र शेखावत जी ने जा करके बोनट खुलवाया और खोल करके कुछ उसके अंदर कुछ जंतर मंतर किया और गाड़ी को स्टार्ट दोबारा हो गई। तो गजेंद्र जी, ये जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जो है वो गाड़ी वाड़ी रिपेयर कर लेते हैं? देखिए, मेरी हॉबी है, इट्स पार्ट ऑफ माई हॉबी, और मैंने बहुत सारी गाड़ियों को रिस्टोर किया है, पुरानी गाड़ियों को रिस्टोर किया है, जो है उनको वापस ठीक ठाक करके उनको जो है वापस दुरुस्त करके बनाया है, ऐसी पुरानी जो है गाड़ियों को भी। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियों में ऑल्ट्रेशन किया है अपनी लाइफ में, जो पेट्रोल से डीजल कन्वर्शन किए हैं। तो मेरा हॉबी है, आई कैन रिपेयर एनी ऑफ द डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन फ्रॉम कंप्लीट ऑयलिंग, मैं खुद ही कर सकता हूँ। तो ये अभी क्या प्रॉब्लम हुआ था? उसका एक एग्जॉस्ट निकल गया था, जो एयर इनलेट जो है वो हट गया था, जो टर्बो चार्जर से जो हवा आती है अंदर इंजन में जो पुश करती है, वो पाइप निकल गया था, इस वजह से पिकअप नहीं ले रहा। उसके कारण से जो है उसका पिकअप टर्बो चार्जर से जो थ्रस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, इसलिए पिकअप नहीं आ रहा था। Then it's good to have a minister who can repair his own car at least on the campaign trail. गजेंद्र जी, आपने मुझे आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने रास्ते में जो बताई अबाउट योर डॉटर, कि जल शक्ति मंत्री के डॉटर बेटी राफ्टिंग करती है और हिंदुस्तान की ज्यादातर सब बड़ी नदी को शी हैज ऑलरेडी कवर्ड इट। ये उसका शौक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत गहरे तक उसने देश की सब बड़ी नदियों को राफ्ट किया है और लगभग 6 रिकॉर्ड उसके नाम पर दर्ज हैं, गंगा को लेकर के, ब्रह्मपुत्र को लेकर के, इंडस को लेकर के। चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन उसका शौक तो कर रही है। क्या रिकॉर्ड है, कितना पूरा थोड़ा एरिया में? यमुना गंगा का लगभग 2600 किलोमीटर करने वाली वो पहली सिविलियन महिला थे, ब्रह्मपुत्रा पूरा करने वाली वो पहली महिला थी देश में, ब्रह्मपुत्रा स्विमिंग करने वाली वो पहली महिला थी देश में, इंडस करने वाली पहली व्यक्ति थी दुनिया में, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। करने वाली मतलब इंडस, शी राफ्टेड एंटायर लेंथ ऑफ इंडस जो इन इंडिया इंडियन रीचेस में, so that is the most difficult river to raft in the world, aaj tak koi nahi kar paya, and shooting and also and usse pehle wo she was a professional shooter, wo a rifle .22 aur big bore tino mein hi renowned shot aur tino mein hi jo hai india ki medalist rahi hai. Proud father, naturally proud of your daughters. Yeah, your son rajneeti mein aayega? Bilkul bhi nahi, mujhe nahi lagta uska acumen nahi hai rajneeti mein aane ka. He is a painter and he is doing his undergraduation in Cambridge, वहाँ पढ़ाई कर रहा है, वो अपने पेंटिंग सीख रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसका राजनीति में कहीं किसी तरह का वो बना भी उसके लिए है। जानता है राजनीति के बारे में कुछ? बिल्कुल भी नहीं, कभी उसका एक्सपोजर भी नहीं हुआ। जब 8 साल का था तब से ऊटी स्कूल में चला गया था, बोर्डिंग स्कूल में, कभी उसने चुनाव नहीं देखा, कभी उसने कॉन्स्टेंसी नहीं देखी, कभी अभी उसने कैंपेन नहीं देखा। सिर्फ पिछली बार जब मैं चुनाव जीतने के बाद में मंत्री मुझे नामित किया गया था, उस समय संजोग से वो छुट्टी थी, स्कूल में पढ़ता था, घर आया हुआ था, तब ज़रूर उसको पुलिस वालों ने, सिक्योरिटी ने बाहर, क्योंकि उसको कोई जानता नहीं था, उसको भी जब भीड़ हटा रही थी उसको भी बाहर निकाल दिया फिर, और उसने लोगों से कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, तो कोई उसको पहचानता नहीं था, तो सिक्योरिटी ने कहा हम तुम्हें जानते नहीं हैं। ई वॉज नॉट इवन कैरिंग फ़ोन, क्योंकि उस समय तक स्कूल में जब तक हमारे यहाँ बच्चे थे घर में फ़ोन अलाउड नहीं था किसी भी स्कूल के बच्चे को, परिवार की व्यवस्था के हिसाब से। So he borrowed phone suffers from someone, किसी ने मांगा मुझे फ़ोन दे दीजिए प्लीज़ बात करना, एंड देन ही कॉल्ड हिज एल्डर सिस्टर कि दीदी मुझे घर से बाहर निकाल दिया, घर के अंदर नहीं घुसने दे रहे।
में कहा कि मैंने वापस सर्वे करा दिया, तो मारे एक चौधरी साहब उभो आया, वह कह बाबा आप बता दो पानी आए कितना दिन, आप भी पूछ सकते हो। तो मैं आपसे एक बात विनती करूंगा कि मैं कोई बाप जी न तो भोपो जी और न अशोक जी वाले जो कोई जादूगर, अगर जादूगर होता तो बाप जी बाल भारती जी मैं कह देता हूँ कि भाई आज रात डंडी फेरू और सुबह भोपा जी घर में पानी आ जाए, नल खोले नल लागो लो लाती उठे नींद मुँह सुबह 5 बजे तो कल 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 नल मुँह पानी आ रही हो सकता है कैसे? जो कोई पाप कांग्रेस पार्टी ने किया क्या उस पाप को एक दिन में ठीक किया जा सकता है? 2025 की तारीख जिसको टेंडर दिया उसको मई 2025 की तारीख दी है, इस साल की गर्मियां तो दोरी सोरी बाप जी को टैंकर टैमा नुआ जो निकालना, अगले साल की गर्मी आए उससे पहले आप सबके घर में पानी पहुंच जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं आपके सामने लेता हूं। अभी करा दो बेटा, इनमें आपका नंबर लिख दो, तो ओम जी ऐसा मेरे कोशिश का काम करने वाला है, मेरा दोस्त है, दोस्त है कि नहीं है? बिल्कुल 40 साल पुराना। ये बताइए कि आपका कैंडिडेचर जब हुआ, वन ऑफ द रीजंस जो कि है कि यहाँ पे मोर देन 4 लाख पार्ट आपकी कम्युनिटी से है, राजपूत से है, यहाँ पे एक डोमिनेंस है उनका, तो ये कास्ट फैक्टर प्ले करता है इस तरह से? देखिए हम चाहे स्वीकार करें या न स्वीकार करने की कोशिश करें, बट अल्टीमेटली भारत की राजनीति में अभी भी कुछ स्तर तक जाति जो है वो महत्ता रखती है, महत्व रखती है कैंडिडेट के निर्णय में भी और चुनाव के परिणाम में भी। हालांकि पूर्ण रूप से सत्य नहीं कह सकते आप ऐसे अनेक उदाहरण ढूंढ सकते हैं जहाँ कार्यकर्ता ने परिश्रम किया होगा, अपना प्रभाव बनाया होगा और परिश्रम के आधार पर अपनी क्रेडिबिलिटी अर्न की होगी, पार्टी की ताकत भी वहाँ खड़ी होगी और उस सब के चलते हुए कुछ हजारों या उनकी संख्या में उनकी जात स्वजातीय बंधु होने के बावजूद भी वो लगातार जो है चुनाव जीत रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो जो है इसका प्रभाव निश्चित रूप से होता ही है। लेकिन डोंट यू फील कि ये एक सब डिविजन लेवल पे भी आ जाता है, नीचे आते आते और विभाजन होते जाते हैं कि आपके लिए कहा जाता है कि आउटसाइडर राजपूत वर्सेस लोकल राजपूत, यानी ये फर्दर ब्रेकडाउन है। इस तरह का विषय इस तरह की सोच समाज की नहीं होती, ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए का दोष है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही बांटो और राज करो इस पद्धति के साथ में काम किया हमेशा ही, और देश को बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया, जातियों के आधार पर उपजातियों के नाम पर बांटने का पाप किया अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। अब उससे आगे बढ़ करके उन्हीं की डीएनए से निकले हुए प्रत्याशी जो हैं अब ये इस तरह की चर्चाएं करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा करके वो उपहास का पात्र बनते होंगे। मैं तो जैसलमेर में पैदा हुआ हूँ, मेरा मूल गांव बेशक सीकर जिले में होगा लेकिन मेरी पैदाइश जैसलमेर की है, मेरी कर्मभूमि जोधपुर की है, मेरा अध्ययन जोधपुर में हुआ है, मेरा विवाह जोधपुर में हुआ है, मेरे विवाह यहीं जोधपुर के पास में हुआ है, मेरे बच्चे यहाँ हुए हैं, उनकी पढ़ाई यहाँ हुई है, इसी और मैं उसके बाद में 2 बार यहाँ लोकसभा हुआ था कि जोधपुर फ्यूचर में मैं आऊँगा तो कम से कम ससुराल होना चाहिए। देखिए मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी का, मेरे परदादाजी का और उसके आगे की 10 पीढ़ियों तक के ससुराल मैं बता सकता हूँ, उनके सबके जिलानागुर में ससुराल होंगे, उस समय तो कोई टैक्टिक्स नहीं होगी। हाँ, यानी लेकिन ससुराल में दामाद वाला आपको स्पेस मिल गया है, लेकिन 2 चुनावों में जोधपुर ने अपने दामाद का काफी सम्मान कर दिया है। ये निश्चित रूप से हैट्रिक, आपको वो नर्वसनेस है हैट्रिक वाली जो होती है एक बॉलर को कि 2 विकेट ले चुका है, 3rd बॉल करने जा रहा है बैट्समैन, सचिन ना हो लेकिन मिड लेवल का बैट्समैन है, वो नर्वसनेस तब होती है जब अपने आप पर, अपने दल पर, अपने नेता पर और अपने दल और अपने काम पर कॉन्फिडेंस ना हो। मुझे तो कहीं भी इसमें कोई गैप ही नजर नहीं है। देखिए लास्ट विधानसभा चुनाव में द बीजेपी बेनिफिटेड, आप भी मानेंगे कि वो जो एक सचिन गहलोत वर्सेस अशोक गहलोत चल रहा था तो उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्प्रिंट कांग्रेस पे पड़ा, लेकिन अब तो जनता ने पिटाई करके कांग्रेस को निकाल दिया, तो जिसे कहेंगे ना कांग्रेस से जो नाराजगी बहुत सारी थी, राजस्थान की जनता बड़ा अच्छा करती है कि
दिसंबर के महीने में एक पार्टी को पीट देती है और अगले बाद लोकसभा चुनाव में तीन महीने बाद कहती है कि आप आइए हमारे पास। आप तो अभी प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो डिवीजन है ये अभी भी वर्क कर रहा है। देखिए मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि उनकी पार्टी में अब क्या परिस्थिति है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जो डिवीजन जिस तरह जिस स्पष्टता के साथ में था और लगातार 5 साल तक जिस तरह से आपसी विग्रह का शिकार जो है कांग्रेस पार्टी रही और सरकार भी रही उस समय की, उसका खामियाजा राजस्थान की जनता ने भुगता क्योंकि सरकार के मुखिया का फोकस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के बजाय अपनी कुर्सी बचाने में लगा रहा और अपने पार्टी में और पार्टी के बाहर अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने में लगा रहा। उसका नुकसान जोधपुर की जनता को हुआ और जनता ने सब कुछ देखा समझा और अनुभव भी किया इस विषय। बट क्या आपको नहीं लगता कि वो डिवाइड में एक स्टोरी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग थी कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज में जो हाईकमांड कल्चर आता है कि चुनाव एक तरह से पार्टी का अध्यक्ष सचिन पायलट की क्रेडिट जाना चाहिए था कि आप देंगे क्रेडिट कि सचिन को कि उनको वो डिजर्व करते थे कि चीफ मिनिस्टर बने। 2018 में निश्चित रूप से जो परिश्रम 13 से 18 की बड़े बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 82% सीटें बीजेपी के पास थी, उसके सामने विपक्ष के नेता के रूप में जिस ताकत के साथ में सचिन पायलट जी ने काम किया था दैट वाज ए कमेंडेबल जॉब। और पूरे राजस्थान पूरे राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के लोग ये मान रहे थे, राजस्थान के जनरल लोग ये मान रहे थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन हम जानते थे ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ठीक यही परिस्थिति 2003 में थी जब सीपी जोशी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था और एक वोट से हार करके वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और ठीक वही परिस्थिति उससे पहले 1998 में भी थी, उस समय भी दो ऐसा ही हुआ था। तो 98 में 8 में और 18 में चेहरा कोई और था और मुख्यमंत्री कोई और बना था। ये तो जो अपने आप को जादूगर कहते हैं वही बता सकते हैं। अब ये जो डिवीजन की बात करते हैं ये आपकी पार्टी में भी है, राजस्थान में कहा जाता है कि बीजेपी के कार्डर में फैक्शनलिज्म जो टॉप लीडर्स में वो काफी आई। देखिए राजनीति स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है, नेचुरल कंपटीशन, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति महत्वाकांक्षा को लेकर के आता है, आगे बढ़ना चाहता है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे जो हैं कार्यकर्ता हैं नेता हैं जो ये सब लोग मन में इनके उत्कंठा और स्वाभाविक है, मैं उसे दोष नहीं मानता कि हमें लोकसभा में चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। उसके कारण से कुछ दूरियां दिखाई देती हैं लेकिन ये मतभेद जो है ये मन का भेद नहीं होता। इस चुनाव के पहले यू आर आल्सो फेसिंग की थोड़ा सा एक बाबू सिंह नेताओं जैसे नेताओं को लेकर के एक सेंस ऑफ वरी था कि स्वर उठ रहे हैं पार्टी में, वो मामला शांत हुआ? आप खुद जाके धरातल पे अनुभव कर लीजिए, पिछले दिनों के कैंपेन को अनुभव कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि हम लोग एक मैंने कहा ना हमारे यहाँ जो अंतर है वो उस स्तर तक की टिकट अनाउंस नहीं हो तब तक हो सकता है, लेकिन उसके बाद हम सब लोग पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से एक राय एक मन एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ? देखिए परिवार में सीएम के साथ में मीटिंग होना या किसी अन्य के साथ में मीटिंग होना ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसको लेकर के हमको उसके बारे में कोई चर्चाओं की आवश्यकता हो। हम साथ बैठे, हम पहले भी साथ बैठते हैं, छात्र संघ की राजनीति से हम सब साथ रहे हैं। आपने उनको अध्यक्ष बनाया था? मैं 1992 में प्रेसिडेंट बना, 95 में हम लोग जब मैं अध्यक्ष बना था तब भी वो मेरी क्या जो है साथ में वाणिज्य संकाय के उपाध्यक्ष होते थे, बाद में उनको अध्यक्ष बनाया, उनके जो है पहले दूसरे चुनाव में हम सब लोग साथ में थे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई विषय ऐसा था जिसमें कोई ऐसा स्थायित्व था कि हम दोनों के बीच में कोई ऐसी दूरी थी कि जिसको पाटने के लिए बहुत सारे मध्यस्थों की आवश्यकता पड़े। Do you think you have दो टर्म में कुछ एंटी इनकंबेंसी जनरेट की आपने? देखिए कोई व्यक्ति यदि धरातल पर काम करता है ईमानदारी से
लोगों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। पिछले 5 साल जब राजस्थान में सरकार नहीं थी और जिस तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हो रहा था, पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोग मुझसे आशा अपेक्षा रखते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे अवसर दे करके मेरा कद बढ़ाया, पूरे राजस्थान के लोग भी उसके कारण से अपेक्षा रखते थे। इसलिए उन अपेक्षाओं को 100% पूरा किया जाना संभव नहीं था, उसको लेकर के कुछ लोगों के मन में कुछ विषय हो सकता है। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में जब हम देश को निर्माण करने के संकल्प को लेकर के चले, देश को विकसित करने के संकल्प को लेकर के चले, लोगों के मन में इस तरह के कोई भी संदेह नहीं रहते। बीच में बात हो रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को अशोक गहलोत जी के खिलाफ यहाँ चुनाव में खड़ा किया जाएगा उनकी पीठ में, वो क्यों, वो फेज ऐसा क्यों था? वाज इट अ ट्रू थिंग कि कंसीडरेशन था कि एमपी को उतारा जाए? मुझसे तो कहीं एमपी को उतारा गया था, 6 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था, मुझे तो कभी किसी स्तर पर भी इस पर कोई चर्चा कभी की नहीं गई। तो ये ऑपरेशन लोटस जो था वो भी पार्टी का आदेश था कि आपका वो था कि आप कहेंगे कि मिथ्या है चार्जेस? ऑपरेशन लोटस क्या था? सचिन पायलट के साथ विधायक थे, दिल्ली के पास बैठे, कांग्रेस पार्टी के बीजेपी तोड़ के ला रही थी, कांग्रेस पार्टी के कुछ रुष्ट विधायक अपने नेतृत्व से नाराज होकर के मंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक अगर कहीं जाकर के कैंप करें, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का काम है? और भारतीय जनता पार्टी क्या इस तरह से किस कुछ विधायकों और को उनकी और इतने बड़े नेताओं को जो पीसीसी का अध्यक्ष है उनको इस तरह से कैंप करवा सकती है अगर उनकी मर्जी ना हो तो? और मेरा प्रश्न इससे आगे बढ़ करके है कि उस समय में कितने तरह के लांछन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाए बीजेपी पर, आदरणीय अमित शाह जी पर, मुझ पर, और कितनी तरह के हल्के शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। यहाँ तक कहा कि हमने बाउंसर्स को लगा करके उनके एमएलएज को और उनके मंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री और उनके पीसीसी चीफ को रोक रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2020 के बाद में क्या उनमें से कभी किसी ने आकर के बाहर कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ था? बोलते हैं उल्टा 3 महीने बाद में आपने उनको से उनमें से कईयों को मंत्री बना दिया था। तो ये जो है अपने यहाँ के लड़ाई को का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ने कि ये हुनर था, इसको जनता ने उस समय जान और पहचान लिया था। अगर मैं उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से कहूँ तो इट वॉज इंजीनियर एंड द मास्टर क्राफ्ट्समैन ऑफ दिस एक्ट वॉज अशोक गहलोत हिमसेल्फ। उन्होंने ये प्लॉट रचा सचिन पायलट को पार्टी से निकलवाने के लिए, उन्होंने खुद इसकी रचना की, उन्होंने खुद विधायकों को मोटिवेट किया। अशोक गहलोत साहब के निर्देश पर उन्होंने सचिन पायलट को इंस्टिगेट करके और इस रिबेलियन एक्ट के लिए जो है उकसाया। उसके बाद संजीवनी घोटाला, संजीवनी घोटाले से पहले आदर्श का घोटाला जो राजस्थान में, उससे पहले नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला, और ऐसी 21 सोसाइटीज। चर्चा संजीवनी की क्यों हुई? क्योंकि संजीवनी घोटाले को मेरे साथ में जबरदस्ती जोड़ करके और उसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम लेने के षड्यंत्र पिछले 5 साल तक चला। लेकिन उसमें आपका वो फोटो, एक अक्यूज जो थे विक्रम सिंह, उसके कारण दैट वाज द एक एलिमेंट था जिसके कारण आपसे जोड़ा गया। देखिए कोई भी व्यक्ति जो जोधपुर शहर में रहता है, एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल व्यापार व्यवसाय चलाता है, शहर में रहते हुए उसके साथ में फोटो छपना कोई बड़ा विषय है? इसके अतिरिक्त मैं बात करूं, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं, क्योंकि कल ही मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, कहीं ढूंढिएगा आपको मिल जाएंगे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2013 में वो कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, अखबारों के समाचार पत्र के कटिंग भी दे सकता हूं। देश का कांग्रेस का कोई भी मंत्री ऐसा नहीं होगा, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जिसके साथ में उनके फोटोग्राफ्स नहीं होंगे। लेकिन क्या उसके चलते हुए उनको कांग्रेस पार्टी
का उनके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो विषय था उसके साथ में कांग्रेस पार्टी को जोड़ा जा सकता है? मैं नहीं मानता। सीबीआई प्रोब भी नहीं हुआ उसमें? सीबीआई प्रोब को रोकने की कोशिश किसने की? भारत सरकार ने 2019 में कानून बनाया, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट जी, और वो कानून जो है ऐसे ही पोंजी स्कीम्स के निवेशकों को उनका धन वापस मिल सके उसके संरक्षण देने के लिए बना। वो कानून कहता है कि कोई भी ऐसी सोसाइटी या चिटफंड कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस एक से अधिक स्टेट में हो, उसका ऑपरेशन हो सकता है, उसके निवेशक रह सकते हैं, उसका निवेश हो सकता है, तो उसके जो है किए गए ऐसे फ्रॉड की जांच केवल और केवल सीबीआई कर सकती है, इंटरस्टेट होने के कारण, इंटरस्टेट होने के नाते। और हैविंग रजिस्टर्ड एनी ऑफेंस द पुलिस ऑफिसर और द इंचार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन शैल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिसको रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के रूप में डेजिग्नेट किया गया है, उनको भेजे और हैविंग रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ द पुलिस स्टेशन वेयर द केस इज रजिस्टर्ड और द अदरवाइज ऑल्सो ही कम्स टू नो दैट एनी ऑफेंस ऑफ सच काइंड हैड हैपेंड, इमीडिएटली ही शुड सेंड दैट investor send that incidents or the complaint to the CBI for further investigation. ये कानून कहता है। वो क्यों नहीं? संजीवनी के केस में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीन जगह कंपनी का एक्टिविटीज थी जैसा मैंने सुना और पढ़ा है। मध्य प्रदेश ने सीबीआई को रेफर कर लिया, सीबीआई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, गुजरात ने सीबीआई को रेफर कर दिया, वहां एक्सेप्ट कर लिया, राजस्थान की सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट हैज सेंड इट, क्यों कर उसको रोक के रखा? विषय इस बात पर जो है अनुसंधान करने का, जानकारी जुटाने का है। पीड़ित व्यक्ति एकत्रित होकर के कोर्ट में गए, उनको रोकने के लिए सरकार ने बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़े किए और उसको आगे नहीं जाने दिया, उसको सीबीआई में न जाए इसके लिए पूरी तरह से प्रयास किया। और इस केसेस में मुझे झूठा फंसाने के लिए, हालांकि पिछले पूरे 5 साल तक जो प्रयास हो उसके बावजूद भी न तो किसी एफआईआर में मेरा नाम आया, न किसी चार्जशीट में मुझे एक्यूज किया गया, और ये तो उच्च न्यायालय में अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने सरकार की तरफ से बहस करते हुए भी कहा। इस सब के बावजूद भी मुझे इस केसेस में इम्प्लिकेट करने के लिए, मुझे ऐसा विश्वस्त सूत्रों से मैंने जानकारी जुटाई कि 42 करोड़ रुपए लगभग जो है वो वकीलों को राजस्थान की सरकार ने पेमेंट किया। इंटरेस्टिंग चीज है कि सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, एक तरह से राइट हैंड माने जाते थे, वो वैभव वो अशोक गहलोत के डेन में कैसे पहुंच गए? कौन? जो आपके कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं इस चुनाव में, वो सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। इस समय पे वो अशोक गहलोत के डेन में लड़ रहे हैं, सुलह हो गई दोनों में। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनके परिवार का, उनके पार्टी का विषय, वो जाने, उनके पार्टी जाने, उनकी प्रतिबद्धताएं जाने, उनकी निष्ठाएं जाने। देखिए कांग्रेस पार्टी का कल्चर है कि वहाँ व्यक्ति के प्रति निष्ठाओं के साथ में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपने देश, अपने विश्वास, अपने विचार और अपने दल के प्रति निष्ठा के साथ में काम करते हैं। दो मिशन इम्पॉसिबल मोदी जी ने दे दिया है, एक तो 25 out of 25, दूसरा आपका जो है वो भी एक बहुत बड़ा मिशन इम्पॉसिबल है, हर घर जल, और वो भी कोई प्रधानमंत्री लोग जो है वो फाइल बना करके एक पॉलिसी बना देते हैं, आपके प्रधानमंत्री तो लाल किले से घोषणा कर दिया। देखिए मोदी है तो मुमकिन है, लोगों का सहज रूप से अब ये विश्वास बन गया है कि जो मोदी कहेंगे वो होगा, और प्रधानमंत्री जी ने अपने
लाल किले के प्राचीर के उस भाषण में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कहा था कि 70 साल तक देश की सरकारों ने, प्रदेशों की सरकारों ने जो कुछ यत्न किए हैं उन सबके चलते हुए भी हम केवल 16% घरों तक पानी पहुंचा पाए, टैप वाटर। और जो कुछ काम 70 साल में हुआ है उसका 5 गुना काम हमको अगले 5 साल में करना है। बड़ी चुनौती है लेकिन हम इसे पूरा करेंगे। पानी राज्य का विषय है, संविधान के अनुरूप हर राज्य की अपनी अपनी भौगोलिक चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, प्रिपेयर्डनेस है, पानी की उपलब्धता है। हमने सब राज्यों से बात करके एक जेनरिक गाइडलाइन बनाई और 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने हाथ से वो गाइडलाइन इशू की। रेयर। और जब वो गाइडलाइन इशू हुई तब से काम शुरू हुआ था और 25 मार्च ठीक 3 महीने बाद में कोविड का लॉकडाउन हो गया। लगभग 1.5 साल 2 साल लॉकडाउन में के कारण से कुछ कठिनाइयां रही, चुनौतियां रही, रिसोर्स का क्रंच से ज्यादा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था। रिसोर्स का क्रंच हमने कभी महसूस नहीं किया, लेबर के मोबिलाइजेशन की प्रॉब्लम भी आई, दूसरी चुनौतियां भी आई, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। हालांकि जो चुनौतियां थी उसके बावजूद भी आज मैं ये बात कह सकता हूं कि हमने वो 16% जो है उसको 76% तक पहुंचा दिया। 76% 12 प्रदेश 12% प्रदेश 100% सैचुरेट हो गए, 10 प्रदेश जो है वो 90% के ऊपर खड़े हैं। राजस्थान निश्चित रूप से अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा रिसोर्सेज राजस्थान को देने के बावजूद भी, बजट देने के बावजूद भी राजस्थान में काम नहीं हो पाया, क्योंकि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ये मानती थी कि यदि हर घर तक पानी पहुंचा तो मोदी अपराजेय हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को कभी अगले 50 साल तक राजस्थान से रिप्लेस नहीं किया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके इन प्रोग्राम्स को जो है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, इसको डिरेल किया, भारी भ्रष्टाचार हुआ और इसमें भी हाँ, और 27,000 करोड़ रुपए का जो बजट हमने दिया था उसमें से मात्र 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। ओनली राजस्थान को 27,000 करोड़ का बजट दिया था, 1,00,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे राजस्थान के, और 27,000 देने के बावजूद भी, सैंक्शन होने के बाद भी 6,000 करोड़ ही खर्च हो पाए और उसमें भी भ्रष्टाचार। ये एक स्ट्रेंज है कि ये इंटरस्टेट इश्यूज है कि वेस्ट बंगाल, राजस्थान ये अपोजिशन रूल जो थे वो सबसे पुअर परफॉर्मर्स है। लेकिन राजस्थान, राजस्थान और वेस्ट बंगाल दोनों में चुनौती थी। वेस्ट बंगाल में ममता जी ने शुरू के 3 साल तक, जब तक विधानसभा के चुनाव नहीं हुए तब तक काम ही शुरू नहीं किए। 3 years हाँ, 21 के विधानसभा चुनाव के बाद ही उन्होंने जल जीवन मिशन को टेकअप किया, तो वो 3 साल गवा बैठे। और राजस्थान में पहले ही दिन से उनके मन में जो है इसको लेकर के उनकी नीयत सही नहीं थी, इसलिए नहीं हो पाया। तो आज की तारीख में 140 करोड़ में से कितने लोगों के पास आप नलके का पानी पहुंचा चुके हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के यदि मैं बात करूं, देश में 19 करोड़ 40 लाख परिवार हैं। जब हमने काम शुरू किया था तब 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक पीने का पानी नल से पहुँचता था, और आज 16 करोड़ 75 लाख परिवारों तक पानी पहुंचता है। 16 करोड़ में ऑलमोस्ट 80 करोड़ ऑलमोस्ट 80 करोड़ रूरल पॉपुलेशन में, शहर की बात नहीं। लेकिन ये भी एक क्राइसिस है कि कुछ राज्यों में एक्सप्लॉयटेशन इज मच हायर देन अवेलेबिलिटी, और उसके अलावा ये भी हो रहा है कि जो हम कहते हैं कि इंटरवेंशन जो हो रहे हैं तमाम, उसके बावजूद द क्वालिटी ऑफ वाटर जो है उसमें भी क्राइसिस है। देखिए, मैं इससे आगे बढ़ करके कहूँगा, निश्चित रूप से आपका कहना सही है, चुनौती है, चुनौती थी। देश में जिस तरह से एक्सप्लोइटेशन बढ़ा ग्राउंड वाटर का, धीरे धीरे करते करते लगभग 6,000 ब्लॉक्स जो हम मॉनिटर करते हैं उनमें से 20% ब्लॉक्स जो हैं वो OCS कैटेगरी में आए, ओवर एक्सप्लॉयटेड, क्रिटिकली एक्सप्लॉयटेड, सेमी क्रिटिकली एक्सप्लॉयटेड, ऐसी कैटेगरी में आए। और पहले की सरकारों के समय में 5-6 साल में, 4 साल के अंतराल के बाद में एक बार रिपोर्ट पब्लिश होती थी, हर बार रिपोर्ट पब्लिश होती थी तो वो संख्या OCS ब्लॉक्स की बढ़ती थी। माननीय मोदी जी ने जब
2019 की सरकार के बाद में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाकर के जिम्मेदारी मुझे दी। हमने देश का कंप्लीट एक्वीफर मैपिंग किया। हमने ये जितने भी हमारे जो है ग्राउंड वाटर रिपोर्टिंग के जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उन सब में ह्यूमन इंटरवेंशन समाप्त हो, इन पीजोमीटर्स पे हमने जो है तकनीकी के माध्यम से हमको लाइव डेटा मिले, इसको हमने सुनिश्चित किया। और उसके आगे बढ़ कर के हमने ये तय किया कि पहले 2 साल के अंतराल में रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, क्योंकि 4 साल में अंतर इतना लंबा होता था तो तब तक सब कुछ बदल जाता था। और हमने वार्षिक अब रिपोर्ट पब्लिश करना शुरू किया है। हमने जब इन सब विषयों पर काम किया उसका परिणाम ये हुआ कि जो OCS कैटेगरी के ब्लॉक्स का नंबर हर रिपोर्ट के दर रिपोर्ट बढ़ता था, पहले वो ठहरा और पिछले 2 साल से डाउनवर्ड्स जो है डिक्लाइनिंग वो नंबर्स आने लगे। अब देश में भूगर्भ के जल के स्तर के घटने के बजाय सुधार के जो है इंसिडेंस और सुधार के आंकड़े ज्यादा गंगा क्लीन अनदर मिशन इम्पॉसिबल प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को दिया हुआ है, क्योंकि जनता का कॉन्शियसनेस, इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन मैं गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ये मान लिया है, पिछले दशक को डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन मानते हुए, ऐसा संज्ञा देते हुए, पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में हुए इस तरह के इनिशिएटिव्स पे के कंपटीशन में हमारे गंगा के स्वच्छता को टॉप 10 इनिशिएटिव्स ऑफ द वर्ल्ड में रखा गया। इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन या और गंगा नदी आज मैं एक जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ अपनी पूरी लंबाई में जो बेस्ट जो सबसे सही पैरामीटर जिस पे आकलन किया जा सकता है नदी के स्वास्थ्य का, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसमें क्वालिफाई करती है पूरी लंबाई में। और केमिकल लेबोरेटरी से आने वाले आंकड़ों के बजाय अगर मैं जलीय जीवन को आंकड़ों जो है गंगा के नदी के स्वास्थ्य का आधार मानूं, जो एक्वेटिक लाइफ है उसको, तो गंगा नदी का कंप्लीट रिजुविनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यानी आप कह रहे हैं कि लेदर टैनरी कानपुर के गंदगी, आप जाकर के देखिएगा कानपुर में जो परिस्थिति थी कि नदी में उंगली डाल करके बाहर निकालने पे हाथ काला हो जाता था, आज आप उजरी भर के आचमन कर सकते हैं, ऐसा पानी कानपुर में बहता है। कानपुर के नदी में आज हिलसा भी मिलती है और डॉल्फिन भी मिलती है। आप जाकर के खुद देखिए, थाउजेंड्स की संख्या में डॉल्फिन वापस रिवाइव हो गई है। हिलसा को तो हमने मिशन मोड में रिवाइव करने का काम किया। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जब मैं गंगा की बात करता हूँ तो केवल मुख्यधारा का विषय नहीं, हम यमुना की बात भी करते हैं, हम सारी ट्रिब्यूटरी जो गंगा बेसिन की सारी नदियाँ उनकी बात करते हैं, हम यमुना पे, रामगंगा पे, काली पे, इन सब नदियों पे एक साथ काम कर रहे हैं। मुख्यधारा में सफल होने के बाद हमारा फोकस जो है वो सहायक नदियों पर है, और जो स्थिति परिस्थिति मुख्यधारा की बनी है आने वाले 2-3 साल में हम सारी सहायक नदियों को भी उसी तरह से वापस रिजुविनेट करने में कामयाब होंगे। यमुना व्हाट इज द चैलेंज है, बिकॉज उसके आसपास उसके शहर बहुत हैं, लेकिन दिल्ली जैसा शहर है 20-22 किलोमीटर की रेंज में जितना गंदगी दिल्ली में गिरता है कि यमुना इज टोटली ट्रांसफॉर्म बाय द टाइम इट गेट्स आउट फ्रॉम द ओखला बराज। देखिए, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, यमुना जो 620 किलोमीटर की लंबाई में बहती है उसमें से केवल 20-22 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो दिल्ली में है, और उसका जो टोटल पॉल्यूशन इन्फ्यूज़न है उसका 98% पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में आता है। दिल्ली का जो लगभग 3,500 MLD पानी सूवेज जनरेट होता है उसका ट्रीटमेंट या तो होता नहीं है, और जो होता था वो सारा नॉन कन्फर्मिंग जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे जहाँ एडिकेट नहीं होता, सेमाई ट्रीटेड पानी जाता था। और यमुना की चुनौती है कि पोस्ट वजीराबाद यमुना में नॉन मानसून सीजन में एक बूंद भी फ्रेश वाटर नहीं बहता, सारा दिल्ली का ट्रीटेड अनट्रीटेड सीवेज बहता है।
इसलिए वो पॉल्यूशन का डाइल्यूशन भी उसमें नहीं हो पाता। यमुना एक नाला है, यमुना से दिल्ली से लेकर के जब चंबल में आकर के मिलती है आगरा से नीचे, तब तक नाले के रूप में बहती थी। हमने देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ बनाया जो कंप्लीशन की स्टेज पे है, और सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड किया। आने वाले एक साल में ये परिस्थिति होगी कि दिल्ली में एक भी बूंद अनट्रीटेड सीवेज जो है वो यमुना में नहीं गिरेगा। दैट्स एन एश्योरेंस। यस, और इसके साथ में यमुना के अपर रीचेस में लखवार, किशाऊ और रेणुका में 3 बांध बना करके हम पानी को जो वहाँ रोकेंगे, और नॉन मानसून सीजन में भी नदी के अधिकार का पानी नदी में बहे जैसा हमने गंगा में सुनिश्चित किया है उसको भी हम इंश्योर करेंगे ताकि स्वच्छ पानी नदी में बह सके और हमारी नदी का स्वास्थ्य जो है वो जिस तरह से गंगा का वापस रिजुविनेट हुआ है यमुना का भी रिजुविनेट हो जाए। यानी राजस्थान को प्यासा राजस्थान नहीं बोला जाएगा कुछ समय बाद, ये तय मान लीजिए। राजस्थान में पीने के पानी का संकट इतिहास बन जाएगा। आने वाले 2 साल के कालखंड में राजस्थान के हर घर तक पीने का पानी पहुंच जाएगा। आपने कभी बचपन में पानी की किल्लत देखी थी? मैं जैसलमेर में पैदा हुआ हूँ साहब, तो पानी की किल्लत निश्चित रूप से देखी होगी। क्या देखा आपने बचपन में? क्या आपके पानी औरतें हैं पानी लाने के लिए? ठीक है, मेरे पिताजी अधिकारी थे और संयोग से PHED जो पानी पिलाने वाला महकमा है उसी के चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते हुए मेरी माँ या मेरी बहन या मेरी बेटी को नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे गांव की महिलाओं को तो देखा ही होगा। मेरे ननिहाल में जब हम तालाब का पानी पीते थे, पीने के लिए मजबूर थे, तो बैलगाड़ी में रख करके जो पानी लेकर के आते थे, मैं उसका साक्षी भी रहा हूँ, उस बैलगाड़ी को चलाया भी होगा मैंने। अच्छा, तो इसलिए पीने का पानी का संकट मैंने बहुत शिद्दत के साथ मैं महसूस किया साहब। महिलाओं के जीवन में इतना बड़ा अभिशाप था। एक महिला जब बच्ची जब 10-12 साल की होती है ना साहब, तब वो कौतूहलवश अपनी माँ के साथ में, अपनी परिवार की अन्य महिलाओं के साथ में, अपनी चाची, अपनी मासी, अपनी बड़ी बहन, अपनी भाभी, अपनी दादी नानी, उनके साथ में एक छोटा सा मटका लेकर के यात्रा प्रारंभ करती है। उम्र बढ़ने के साथ में उसकी भूमिकाएं बदलती हैं, लेकिन साथ साथ में उसके मटके की साइज भी बढ़ती है। वो छोटी बेटी से बड़ी बेटी बनती है, बड़ी बेटी से बहू बनती है, किसी घर की शादी होकर के बच्चे होते हैं माँ बन जाती है, बड़ी बहू बन जाती है, बच्चे बड़े होकर के बच्चों की शादी हो जाती है सास बन जाती है, बच्चों के जो है बच्चे हो जाते हैं दादी नानी बन जाती है, सब कुछ उसके जीवन में बदलता है। ये मटका उसके सिर से नहीं उतरता, बदलता अवश्य है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की क्षमता बढ़ती है, एक मटके की साइज बढ़ती है, उसके ऊपर दूसरा आता है, उसके ऊपर वापस वो छोटा मटका आता है, और जीवन पर्यंत बिना किसी एक भी दिन रुके वो पानी लेने के लिए जो यात्रा करती है, उस यात्रा को अगर आप कुल उसके कदमों की लंबाई को सीधा एक सूत्र में जोड़ें तो जीवन भर में वो पहले उसके मटके बढ़ते हैं, फिर उम्र की बुढ़ापा आने के बाद में वापस उसी क्रम में घटते हैं। 70 साल तक वो छोटी मटकी जब उसके सिर पे रह जाती है तब तक वो धरती के 2-2, 3-3 बार परिक्रमा लगाने जितना परिश्रम करती है, और इस परिश्रम के अभिशाप से मुक्त करने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 75% परिवारों के सर से मटके का बोझ उतर गया है, और आने वाले समय में शेष बच्चे हुए घर के परिवारों की महिलाओं के सर से भी ये बोझ उतर जाएगा। विजय जी, आपने बहुत एक मार्मिक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बयान किया है, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच यू मस्ट हैव लर्न्ड फ्रॉम योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एज मिनिस्टर। वी विश यू लक। थैंक यू।